चैनल। तो आज है दिन छुट्टी का, छुट्टियां तो शुरू हो चुकी है हमारी, मतलब सैटरडे से ही, सैटरडे मेरा वर्किंग था, बच्चों की छुट्टी शुरू हो गई थी, यानी कि 26 से हमारी दिवाली वेकेशन शुरू हो चुकी है। दो इस बार थोड़ी कम छुट्टियां मिली है बच्चों को भी और सब लोगों को वैसे हर स्कूल में, बट चलो मैंने सोचा था सफाई करेंगे तो हाँ, अब क्योंकि मस्ट इसलिए हो गया सफाई करना क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं बहुत बहुत सारे मेहमान और वो सडन प्लान बन गया। पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग बाहर जाएंगे, शायद लाइट पड़ रही होगी इधर, पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग बाहर जाएंगे, बट कल ही सबका फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे आ रहे आ रहे, तो सब बाहर से आ रहे हमारे कज़न्स वगैरह पूरी फैमिली के साथ। तो भाई अभी डीप क्लीनिंग तो बनती है और वैसे भी मैंने सोचा ही था कि छुट्टियों में मैं डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि स्कूल के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं हो पाता, घर का खाना बन जाए वही बहुत हो जाता है। तो फिलहाल डीप क्लीनिंग में अभी लगे हुए हम सब लोग। तो जो ये रैक है ना, ये अभी पूरा सेट किया है, बुक्स वगैरह सेट किया है, और इधर जो है ड्रॉअर्स वगैरह, तो यहाँ पे ड्रॉअर्स वगैरह की सफाई हो रही है। इतना कचरा, बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं, अभी क्या करेंगे। तो ये सब अभी किचन की जो है पूरी डीप क्लीनिंग, फ्रिज वगैरह, ड्रॉअर्स वगैरह, जो मेरी मेड है ना वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से करके गई थी, बहुत अच्छा, उसने पंखे वंखे सब साफ़ कर लिए थे, तो इतना काम मेरे पर नहीं आया, जाने वाले सब उसने क्लीन कर लिया था, और किचन में भी ड्रॉअर्स वगैरह उसने सब अच्छे से साफ़ वाफ करके रखा था। तो इतना मुझे किचन में काम नहीं था, किचन ऑलरेडी साफ था, बट हाँ थोड़ा बहुत फ्रिज वगैरह जो हो जाता है वो सब थोड़ा मैंने क्लीन किया, ड्रॉअर्स वगैरह एक बार रीसेट कर लिया, और बस अभी घर की सफाई चल रही है। तो आज मैंने सोचा ये हॉल का मतलब है ये ड्रॉअर रहता है, ये इस एरिया का टीवी का एरिया रहता है, और पीछे टेबल्स वगैरह उसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, मतलब डेली धुल रहे हैं फिर भी सुखाने की जगह नहीं होती है, तो कपड़े ना लॉट्स में लॉट्स हो रहे हैं। तो अभी वही कपड़े मैंने लगा दिए मशीन पर, तो आज है हमारा मिशन कि कपड़े पूरे धुल जाने चाहिए, और ये जो हॉल है और किचन तो हो चुका है, तो हॉल और बच्चों का रूम वो एक डीप क्लीनिंग करनी है, तो बस ये दो रूम करेंगे, बाकी के जो दो रूम है वो कल सोचा है करने का। तो देखते हैं अभी कैसा कैसा प्लान के साथ जाता है, और ऑलरेडी मेरी अलमारी भी बहुत ही मैस हो रखी है, तो वो अभी कल पर करेंगे, फिलहाल कपड़े वगैरह धोने हैं और ये हॉल साफ करते हैं। और बाहर का भी आज काम है, थोड़ा शॉपिंग करनी है, शॉपिंग का इन द सेंस मतलब टेबल क्लॉथ है वो थोड़ा ख़राब से हो गए, शीट्स है जो किचन में बिछानी है, और बस ऐसे छोटे मोटे सामान है तो वो थोड़ा सा जाएंगे अभी लेंगे। और उससे पहले क्या है, खाना भी बनाना है क्योंकि हम लोग घर पे हैं ऑब्वियसली, तो खाना बनेगा। तो मैं क्या सोचूँ, मैगी मंगा लेते हैं और मसाला मैगी बना लेंगे, दाल चावल और ये सब बनाने से अच्छा है हम ही तीन जन हैं और हो जाएगा। बाकी इनके लिए फ़िश ले के आऊँगी या जो भी है, शाम का शाम में देखेंगे। तो फिलहाल मैगी मंगाते हैं, और अभी जो टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है, मैं उठ गई थी 8:30 उठ गई थी, चाय वाय बनाया, थोड़ा सा आराम किया, उस आराम किया है थोड़ा चाय के टाइम पर ही बैठी, और उसके बाद लग गए काम पर। तो जल्दी जल्दी काम किया तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म भी हो गए। इस क्या होता है ना, सुबह वो भी आती है डस्टबिन वाली लेडी, तो कैसा है वो कचरा चला जाता है सुबह के टाइम, तो मैंने वही सोचा था कि फ्रिज एटलीस्ट साफ़ हो जाएगी, तो फ्रिज का कचरा तो चला गया बट अब जो ये एंड का कचरा है वो थोड़ा रह जाएगा। तो हाँ बाकी न्यूज़पेपर बहुत इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक इकट्ठा करके उसको बाहर दे देंगे। तो न्यूज़पेपर का एक काम करना है, मार्केट का काम करना है, बाकी हॉल और ये किचन चलता रहेगा। तो देखते हैं जी कितना जल्दी काम शुरू करते हैं और जितना जल्दी हम काम ख़त्म करते हैं। तो फिलहाल मैं पीछे अलमारी कर चुकी हूँ, ड्रॉअर साफ करना है, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। लोगों के घर दिवाली की सफाई हो रही है, हमारे घर मेहमान की वजह से सफाई हो रही है, मतलब मेहमान की वजह से भी नहीं बट हाँ छुट्टियों की सफाई हो रही है, तो क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी करने का। तो यहाँ पर कैमरा सेट करते हैं, और हाँ हमारे घर आए हैं ये दो कबूतरे नहीं लव बर्ड्स, तो एक जो है ये हमारे किसी फ्रेंड का है, वो गए हुए हैं गांव, देखो कितना दाना गिराया है, तो गांव गए हैं तो उन्होंने रख के गए हैं, और ये मेरे स्कूल का है क्योंकि स्कूल ऑब्वियसली बंद हो गया, तो कोई मॉशिस वगैरह कोई भी वर्किंग नहीं है, तो ये मैं अपने घर पे ले आई हूँ। जब जाने का रहेगा स्कूल 6 तारीख को वापस से शुरू होगा, तो मैं इसको वापस करवा मतलब स्कूल ले जाऊँगी। तो ये हमारे घर में आए जिसकी वजह से थोड़ी रौनक हो रखी है घर में, चूँ चाँ बहुत ज़्यादा है। तो चलो भाई काम पे लगते हैं, बातें तो चलती रहेंगी, तो चलिए आप लोगों से आराम से मिलती हूँ, मतलब काम दिखाती हूँ। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard. Oh.
अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, क्योंकि बताया था भूख लग जाती है काम करते करते। तो बस यहाँ पे मैं मसाला मैगी बना रही हूँ, जिसके लिए प्याज फ्राई हो रहा है। और फ्रिज करते करते मुझे याद आया कि फ्रीज़र तो मैंने किया ही नहीं। इसमें क्या है ना, इस वाली फ्रिज में फ्रिज इस तरफ है और फ्रीज़र इस तरफ है, तो ये पोर्शन तो मेरा पूरा क्लीन हो गया। इधर मैंने साफ कर लिया सब, ये साफ, और ये वाला पोर्शन रह गया। क्या है ना, अभी बहुत ही ज़्यादा मैस है, तो इसको मैंने बंद कर दिया है, बंद करके, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी बर्फ, तो फिर इसको साफ करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे मैगी की तैयारी हो रही है, तो बस अब ये बनाते हैं। और एक लॉट बचा है, बस उसको सुखाना है, वो करेंगे। और देखते हैं कब तक फ्री हो पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी पूरा घर ना मैस हो रखा है, बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है। तो जल्दी जल्दी पहले मैगी बनाते हैं, खाते हैं। वहाँ पे कचरा भी जो मैंने ड्रॉर वगैरह साफ किया, वो अभी मैंने डस्टबिन बैग्स मंगाए हैं, तो उसमें फेंकेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हॉल्स क्लीन करेंगे। और तो ऐसा कुछ है नहीं हॉल में, वो मेन ही था, वो कॉर्नर बुक शेल्फ वो साफ हो गया है। सोफ़ा कवर जब गेस्ट आने वाले होंगे उनके एक रात पहले मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि आप ही डालूँगी तो वापस से गंदा हो जाता है। तो बस वो निकाल के रखूँगी मैं, वो कल करूँगी, क्योंकि वो हमारे रूम का काम है, मतलब उसमें बेड में है, वो कल मैं छेड़ूंगी अपना रूम। तो फिलहाल ये सब क्लीन करते हैं, कपड़े बस धोते हैं, और उसके बाद खा पी के फिर निकलेंगे मार्केट के लिए। और धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, बता नहीं सकती मैं, इतनी गर्मी और धूप है। घर में नहीं पता चल रहा है गर्मी का, लेकिन बाहर बहुत बहुत तेज़ धूप है। तो अभी काम है तो निकलना ही पड़ेगा, देखते हैं। तो बस मार्केट चलेंगे, और अभी तक मार्केट खुल भी गई होगी, 11 बज रहे हैं, तो मार्केट खुल जाती है, थोड़ा लेट खुलती है, बठा खुल गई होगी। उसके बाद आज इतना ही काम करेंगे, बाकी इनका भी सामान जो भी खाने पीने का होगा वो लेती ही आऊँगी। अरबी की सब्ज़ी मैं ले आई थी, तो अरबी की एक सब्ज़ी बना दूँगी, और एक फ़िश कोई सी लेके आती हूँ, फ़िश फ्राई कर दूँगी। फ़िश फ्राई खाते ही हैं डेली, ऑफिस से आके फ़िश फ्राई खाते हैं, क्योंकि रात का टाइम होता हैवी नहीं होता है फ़िश, तो फिर ये प्रेफर करते हैं कि भाई फ़िश ही खाई जाए। तो हाँ, एक सब्ज़ी बना लेंगे, फ़िश बना लेते हैं, और बस अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। मैट्रेस भी ऑर्डर करना है रेंट पर, तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से ऑर्डर करना चाहिए मुझे मैट्रेस। अगर आप लोगों में से किसी को पता है पुणे के अंदर मैट्रेस रेंट पर अच्छे मैट्रेस कहाँ मिलते हैं, एक्चुअली मैंने गूगल किया है, बट वो क्या हो रहा है ना, आने को ही 7 से 8 दिन लग रहे हैं। तो आने में ही ना 7 to 8 days लग रहे हैं, और इतना टाइम अभी है नहीं, तो मुझे चाहिए अर्जेंट में, या तो फिर मैं खरीद लूँ बाहर से, ये चल रहा है। देखते हैं अभी मैट्रेस, क्योंकि लेना ही है अपने को, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल तो मैं मैगी चढ़ा लूँ, जल रही है। सफाई हो गई है, गद्दा जो है इसका धूप में डाल
तो ये कमरे की सफाई हो चुकी है, तो गद्दा जो है धूप में डाल दिया है, इधर का भी और ये भी, थोड़ा धूप लगना ज़रूरी है। मिरर मैंने साफ कर लिया है और यहाँ पर सब मैंने अभी ऐसी पाइल अप करके रखा है, ब्लैंकेट्स वगैरह। और कर्टन्स जो है अभी इनकी बारी कल आएगी धोने की, तो कर्टन्स कल धोएंगे। फ़िलहाल ये कमरा भी साफ़ हो गया है, वॉश बेसिन साफ़ कर लिया है और इधर अभी कपड़े जो है तह करके रखने हैं जो धुल गए हैं। यहाँ का टेबल क्लॉथ मैंने निकाल लिया क्योंकि अभी ख़रीदना है मुझे नया, बस ऑलमोस्ट सब रेडी। और ये फ्रीज़र का निकाला है मैंने, तो बस इसको अभी धोएंगे। बाहर कपड़े हो गए हैं, मैं थक चुकी हूँ काम कर कर के, मतलब कंटिन्यूस काम कर रहे हैं हम 9:30 बजे से। और यहाँ पर मैगी भी ठंडी हो रही है, तो सोचे पहले हम लोग मैगी खा लेते हैं ज़रा हैंड वॉश वगैरह करके, और उसके बाद फिर अब क्या बचा, बाहर का ही काम बचा है ज़्यादा, तो बस ये जो है कवर इसको थोड़ा ठीक ठाक वगैरह मैं तय करके रख देती हूँ, अंदर करूँ पूरा, अभी जैसे मैं सो के उठी थी वैसे ही है, तो उसको एटलीस्ट थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। और 12 बजने वाले हैं टाइम, जैसा कि आप देख रहे हो, तो 1 बजे या 1:30 बजे तक हम निकलेंगे मार्केट के लिए। तो उससे पहले खाना वाना नहा धो के तैयार हो जाते हैं, और इन लोगों की भी हेयर कट करवाना था दोनों का, तो उसके लिए क्या है ना, बाल हेयर वॉश करना ज़रूरी है, तो दोनों नहाएंगे, मैं नहाऊंगी, और आज ही देखते हैं अगर हो सका तो पार्लर का काम भी कर लेंगे और जो शॉपिंग वगैरह वो कर लेंगे, क्योंकि कल कैसा है, कल फिर हमें खाने पीने का सामान थोड़ा देखना पड़ेगा, तो कल खाने पीने का सामान रखते हैं प्लस ये 2 कमरे रखेंगे। तो धूप का तो हाल देखो बुरा है बहुत, लेकिन निकलना तो पड़ेगा, तो बस हमने लंच कर लिया है और बस अब निकलते हैं। लंच मतलब मैगी खाई है और तैयार हो गए हैं। मेरे साथ में मारिया को लेके जा रही हूँ क्योंकि ये सामान पकड़ने के लिए काम आएगा, और मिश्का को लेके जाती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, मतलब इतने लोग नहीं आ पाते, तो पहले मुझे भराना पड़ेगा पेट्रोल, उसके बाद निकलते हैं। मीठा नगर एक मार्केट है, उधर निकलते हैं, तो वहाँ से टेबल क्लॉथ्स और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, और देखते हैं और क्या रहता है, जो जो याद आएगा वो लेते रहेंगे। थोड़ा धूप देख के तो दिल चाह रहा है वापस चले जाओ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते अभी। हेलो चुन्नू मुन्नू, चुन्नू चलो पहले गाड़ी पे पेट्रोल भराया जाए, क्योंकि कहीं भी नहीं मिल रहा, किधर भी टेबल क्लॉथ नहीं है। तो अभी मैं, मेरे पीछे दिख रही होगी मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सस्ता सामान मिलता है, तो किचन का सामान यहाँ मिल जाएगा, अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है। टेबल क्लॉथ मिलता है कि नहीं मिलता वो एक चेक करना है, तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। कप्स हैं, नहीं कप्स तो नहीं चाहिए, चलो देखते हैं। ये सब तो नहीं चाहिए। ले लीजिए, अब क्या करें, तो हमने लिया है, हम ले रहे हैं शायद से ये, क्योंकि वो जो टेबल है वो छोटा साइज भी है क्या, देख लो 9 वाला यही है बस इतना। प्राइस क्या है, दाम 350 में इतना बड़ा मिल रहा है, और तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन इसमें ये कि डिज़ाइन नहीं है ज़्यादा। ये वाला ठीक है, खोल के तो देख लीजिए। बड़ा होना चाहिए पहली बात, ये या ये आप लोग कमेंट में बताइए। मुझको ये ज़्यादा अच्छा है ना, ये भरा भरा है ज़्यादा। हाँ ये ठीक है, ये वाला ले लीजिए। और ऑयल के लिए भी चाहिए तो शीट, ऑयल के लिए शीट कौन सी होती है,
अच्छा अच्छा वो आप कोने में न्यूज़पेपर छोटी है, काफी अच्छा सामान यहाँ सस्ते में अपने को मिल जाता है। तो और हम लेंगे रोटी रखने के लिए लेना है, ये साफ करने का है शायद स्टैंड के साथ, उधर है रोटी का, एक सेकेंड। इसमें से ये ले लेते हैं दो रोटी रखने के लिए, और बाकी यहाँ पे बॉक्सेस हैं, ये सब तो नहीं चाहिए, जगह नहीं है रखने की बिल्कुल भी। चलो आगे देखते हैं। और रग ये क्या है, रख दिया वहाँ पे। ये कितने का है, इसमें प्राइस नहीं लिखा है। एक वो चाहिए बाथरूम, बाथरूम कह रही हूँ, किचन के लिए चाहिए एक। भैया इसका प्राइस क्या है? 120। सॉफ्ट है, पैर पोछाएगा इसमें। ये पकड़ो, उसको छोड़ दो, कोई लेने भी नहीं वाला। वाह मम्मी अच्छा लग रहा है, खोल के देखिए। ये अच्छा है कि ये अच्छा है? शी अम्मी नहीं, गंदा है, इसका भूसा निकल रहा है। अच्छे से बनाओ, पीछे जाओ। अच्छा लग रहा है, दिखाइए तो। ये कलर है, बाकी सब ब्लू ही है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये देखो। ठीक है, अन कर दो। हाँ। चॉपिंग बोर्ड था ना। आ चुके हैं हम लोग वापस, और जो मेन सामान था बस वो ले लिया है, और टेबल क्लॉथ के लिए थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ा, ज़्यादा नहीं बट हाँ अच्छा मिल गया। और बस प्याज टोकरी जो है वो भी ले लिया है हमने, तो घर जाके दिखाती हूँ आपको आराम से क्या क्या लिया है। और फिश इनके लिए लेनी थी वो भी ले लिया, करेला ढूंढ रही थी पर वो कहीं भी नहीं मिला। तो बस अभी घर जाएंगे, पानी वानी पीते हैं ठंडा, उसके बाद ये सब बिछाएंगे, और कपड़े भी हो चुके होंगे मशीन में तो उसको भी धूप में रखना है। और थोड़ा पानी वानी पीते हैं, बैठते हैं, और उसके बाद फिर काम पे लगते हैं। तो आपको आराम से दिखाती हूँ क्या क्या सामान लाई हूँ मैं। वैसे तो आपको बता ही दिया था मैंने, बट एक दिखा देंगे बाद में। जैसे कि आप लोगों को पता है, थोड़ा पानी वानी पी के थोड़ा बैठे, और अभी टाइम हो रहा है 2:15। तो खाने की तैयारी करनी है रात की, हमारा तो हो गया था मैगी से। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। तो सबसे पहले है ये रंग, जो कि किचन के लिए ज़रूरी था। अब पता नहीं है कितना, मतलब पैर पोंछते हैं या नहीं, पानी पोंछते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छा था। जो बाकी आप लोगों ने देखे उसमें ना भूसा भरा हुआ टाइप था, तो वो पूरा वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता, पर ये अच्छा लग रहा था। और ये एक ही कलर बचा था, बाकी जो कलर थे वो कॉमन कलर थे, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये एक मैं लेके आई किचन के लिए, और ये एक डब्बा ले आई हूँ, क्योंकि डब्बे तो जितने लो उतने कम हैं। तो है मेरे पास बॉक्सेस, मैंने एक्चुअली निकाल भी दिए, मैंने लिए थे काफ़ी सारे कंटेनर्स, वो मैंने निकाल दिए क्योंकि मुझे लगा इतनी ज़रूरत नहीं है, स्पेस नहीं है रखने की। ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि कभी आटा गूंदना होता है, आजकल ये ज्वार की रोटी खाते हैं तो उसका आटा, हम लोग गेहूँ की खाते हैं तो उसका आटा, तो आटा रखने या और भी चीज़ें रखने के काम ही आ जाता है फ्रिज के अंदर, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर है तो टाइट पता ही है। कंटेनर रखा और बस फ्रिज में डाल दिया, तो इसे निकाल दिया था। ज़्यादा सामान ऐसा कुछ नहीं लाई, जो ज़रूरी था वो लाई हूँ। ये दो कपड़े लाई हूँ रोटी रखने के लिए, ऑलरेडी है मेरे पास बट वो गंदे से हो रहे हैं, तो ये मैं दो लेके आई हूँ। और जो मेन जो मैं लेने के लिए गई थी वो था ये। अच्छा ये एक छोटा सा मैं लेके आई हूँ, ये 20 रुपीज़ में पड़ा है, कॉस्टली पड़ा पता है मुझे, बट ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये एक्चुअली जो अपना किचन में एक स्लैब वो है, टेबल है, उसके ऊपर रखने के लिए लाई, तो ये बड़ा प्यारा सा लगा मुझे, तो ये एक लेके आई हूँ। जो मेन काम था जिसके लिए मैं गई थी वो था ये टेबल क्लॉथ, तो ये मैं लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे टेबल क्लॉथ थे लेकिन ना बहुत छोटे छोटे थे, बहुत ही छोटे छोटे, तो बड़ा साइज चाहिए था क्योंकि टेबल थोड़ा बड़ा है, पर इसको भी मुझे लगता है कि हमें वो करना पड़ेगा, डबल करके बिछाना पड़ेगा। और इसका हटो ना, इतना बड़ा है
है। एक्चुअली मैं ना कुछ डिफरेंट चाह रही थी इस बार, बट वैसा मिला नहीं और इस तरह के में यही मिलता है। इससे पहले मेरे पास जो था वो प्लास्टिक का था, वो बिल्कुल ही फट चुका है, काफ़ी साल हो गए इसको, तो अभी बदलने का टाइम था ही। तो ये वाला आइडिया सबको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा चमकीला, मतलब एक तो बिल्कुल ही चमकीला था, क्लीन में था ही नहीं, तो बस जो ऑप्शन मिला मैं ले आई। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल तैयार, और यहाँ फ़िश मैंने धो के रख ली है, तो बस इस मसाले को लगाते हैं फ़िश पे, चलिए अच्छे से। यहाँ पे धूप आती है, अभी धूप जाने ही वाली है, तो बस यहाँ पे कपड़े भी धो लिए, सूखने लगे हैं, और एक लॉट मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। अभी ये रूम और ये एक रूम बचा है बस, वो अभी कल ही हो पाएगा।